So hello friends and welcome to the 20 days current affairs crash course of UPBCS 2019. तो आज हम लोग का नौवा दिन है और आज हम लोग करंट अफेयर्स जो है जुलाई और अगस्त महीने का कवर करेंगे और साथ साथ उसके MCQs भी कवर करेंगे. तो myself नीत किशोर एंड आई एम टेकिंग योर क्रैश कोर्स. सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन. तो जैसा कि हम लोग ग्रेड अप से डिस्कस कर रहे हैं तो जुलाई महीने का मंथली डाइजेस्ट, तो बैंकिंग सेक्टर से मैंने उस दिन भी आप लोग जानते हैं कि जो हमारे लिए है वो क्या इम्पोर्टेंट है, जो मैक्रो लेवल पे होगा, जो हमारे लिए पूरे इंडियन इकोनॉमी के लेवल पे जो इम्पोर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वही हमारे लिए होंगी. जैसे कि RBI ने एक वर्किंग ग्रुप बनाई है 6 मेंबर की, जिसके हेड कौन है, तपन रे. इसलिए है तो रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज. ठीक है, तो तपन रे जो है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के और पहले पुराने सेक्रेटरी भी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के. तो ये कमेटी जो हेड कर रहे हैं वो तपन रे. तो क्वेश्चन कैसे आएगा, विच कमेटी हैज़ बीन फॉर्म बाय RBI टू रिव्यू रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो तपन रे कमेटी. तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है RTGS और NEFT से RBI ने सारे चार्जेस जो है वो हटा लिए हैं. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस ट्रांजेक्शन को और प्रमोट करने के लिए डिसीजन लिया गया है. ठीक है, उसके बाद ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पैन जितने भी आधार से लिंक नहीं है वो इनवैलिड हो जाएंगे 1 सितंबर से. तो जो कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आधार केस में जजमेंट था उसमें पैन और आधार के लिंक को उन्होंने कंपलसरी बताया था. ठीक है, उसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, ओके, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उस पर जो GST काउंसिल ने क्या किया है, GST रेट को 12-5% कर दिया है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स हैं उन पे भी 18-5% कर दिया है. ये सारा कहीं ना कहीं किसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव्स हैं. ठीक है, ऑबिचुअरीज हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, कौन किसकी डेथ हुई दैट इज नॉट रेलिवेंट, हम लोग उसको नहीं देखेंगे. इम्पॉर्टेंट डेज में आते हैं, तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस दैट इज 17 जुलाई. ठीक है, क्योंकि इस डेट को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन रोम स्टैट्यूट जो जिससे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना हुआ है वो इसी दिन उसकी एनिवर्सरी आती है, तो इसलिए इंटरनेशनल वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है 17 जुलाई. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये वो 11 जुलाई. ठीक है, क्योंकि इसी दिन 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हुआ था उसके लिए. उसके बाद जो इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑपरेशन विजय था जो कि कारगिल के वॉर के टाइम पे, तो उस टाइम के डे को जो है विजय दिवस के नाम से भी मनाया जाता है. ये वो अभी इस बार उसका 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया. फिर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई. ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट्स में भी मैक्रो लेवल के जो अपॉइंटमेंट्स होंगे जैसे NS विश्वनाथन जो कि लास्ट
करंट अफेयर्स में हमने देखा था कि विराल आचार्य जो थे वो भी रिजाइन कर दिए, जो कि डिप्टी गवर्नर थे, तो उनकी जगह पे अब आए हैं जो नए डिप्टी गवर्नर है वो है NS विश्वनाथन। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है हिमाचल प्रदेश के भी नए गवर्नर जो बने हुए हैं कालराज मिश्रा, ठीक है। फिर और जो इम्पोर्टेंट है वो है चीफ मिनिस्टर जो गुजरात की पहले रह चुकी आनंदीबेन पटेल, उन्हें गवर्नर बनाया गया यूपी का। फिर इम्पोर्टेंट न्यूज़ इंडिया की बात करें तो जो नई मिनिस्ट्री है दैट इज जल शक्ति मिनिस्ट्री, उसके जो मिनिस्टर है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपको ये याद रखना है, न्यूज़ अभी हम देखेंगे क्या है, बट अभी जो जल शक्ति मिनिस्टर वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नई मिनिस्ट्री है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने जल शक्ति अभियान लॉन्च किया है पूरे देश में, तो एक्सेलरेट वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। तो कौन सी अभियान है, जल शक्ति अभियान, तो वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन मेजर्स को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद तो यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसने MSP खरीफ क्रॉप्स के लिए 19-20 में बढ़ाने की जो है उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। रिलायंस जियो ने एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, डिजिटल उड़ान, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स हु आर यूजिंग द कनेक्टेड इंटरनेट इकोसिस्टम एंड ऐप्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जियो का ये स्कीम है डिजिटल उड़ान। UIDAI ने अपना पहला आधार सेवा केंद्र जो है वो दिल्ली और विजयवाड़ा में बनाया है। जो वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसने अपनी एंट्री बनाई है, ठीक है। तो इंडिया के पास अब टोटल इंडिया में 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है, ठीक। उसके बाद आपको पता है कि चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो बोइंग बना रही है, US की कंपनी जो है वो इंडिया में उसके जो है 2 नए हेवी लिफ्ट जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं वो अराइव हुए थे, आए थे। तो कहाँ की है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, US की बोइंग कंपनी है जो वो बना रही है। फिर से पोखरण रेंज पे DRDO ने सक्सेसफुली आर्मर पियर्सिंग नाग मिसाइल उसको टेस्ट किया है। नाग बेसिकली जो एंटी टैंक मिसाइल्स है वो लोग। RPF जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसने एक ऑल इंडिया ड्राइव स्टार्ट की है, दैट इज ऑपरेशन थर्स्ट, जो अनऑथराइज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसके सेल को क्रैक डाउन करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ऑपरेशन थर्स्ट इज रिलेटेड टू, ये याद रखिए कि जो भी अनऑथराइज सेल आपको पानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ट्रेन में मिलते हैं, रेलवे प्रीमाइसिस में मिलते हैं, उनको टैकल करने के लिए। उसके बाद
जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ दैट इज चंद्रयान टू मिशन जुलाई में लॉन्च हुआ था, तो ये आपको बस ये याद रखना है कि हाँ चंद्रयान मिशन टू लॉन्च हुआ था, इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। जो है इसको लॉन्च करने वाली व्हीकल का नाम है GSLV Mark 3 M1, जिसका निक नेम था बाहुबली, ठीक है। टोटल कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। दूसरा चीज़ है कि ये इंडिया की चौथी कंट्री बनेगी जो सॉफ्ट लैंड करती मून पे, बट ऐसा हुआ नहीं, तो दिस इज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, क्योंकि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाई चंद्रयान टू, ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके तीन जो मॉड्यूल्स हैं, एक ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर, तीसरा रोवर। तो ऑर्बिटर तो अभी भी इसका विल ऑफ काम कर रहा है, लैंडर और रोवर जिसकी 14 दिन की ड्यूरेशन थी, इन्होंने अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि विक्रम जो है इट डिड नॉट लैंड प्रॉपरली, और ये लैंड होता तभी ये फिर रोवर को अनलीज करता फर्दर रिसर्च के लिए ऑन द सर्फेस ऑफ मून, बट ये नहीं हो पाया। तो ऑर्बिटर ने सक्सेसफुली काम किया, बट ये याद रखना है कि इसके तीन जो थे वो थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, और इनके नाम जो विक्रम और प्रज्ञान। फिर आपको जो इंडिया में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो है वो 24 प्लेसेस जंप दिखा है, ठीक है। तो 81 से 57 पोजीशन पे आ गए हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो WIPO वीपो करती है पब्लिश। उसके बाद स्टेट से इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं कुछ। पहले US और साउथ कोरिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज एनुअल होती है उसका नाम 192 डोंग मियांग है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। फिर इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देखते हैं, तो इसमें टॉल फ्री चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर यूपी ने एक लॉन्च किया है रिसेंटली 1076। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 333 चिल्ड्रेन को अपनी फैमिली से यूनाइट किया इस साल अंडर द ऑपरेशन मिलाप। ऑपरेशन मिलाप दिल्ली का जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है दिल्ली पुलिस की, उस वो इसने कंडक्ट कराया इस प्रॉपर ऑपरेशन को, ठीक है। उसके बाद मेघालय पहला स्टेट बना इंडिया का टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी अप्रूव किया कैबिनेट ने, ठीक है, और इसका पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि वाटर रिसोर्स को रिकॉग्नाइज करना एज अ कॉमन पूल रिसोर्स, ठीक है, तो कंजर्वेशन से रिलेटेड पहला स्टेट ये बना है। के बाद छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे जो है इंडिया का वो लॉन्च हुआ है। इसमें क्या है कि अंबिकापुर सिटी के छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सिटी में इसमें क्या है कि एक पर्सन फेचिंग अ किलो ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू द गार्बेज कैफे विल अश्योर्ड ऑफ अ फुल मील। तो अगर आप उस कैफे में जाके गार्बेज इकट्ठा करके जमा कर रहे हैं तो आपको एक उसके बदले में टोकन मिलेगा जिसके थ्रू आपको खाना मिलेगा प्रॉपर एक फुल मील। तो ये पहला है अपने इस तरह का। फिर परिवार पहचान पत्र 14 डिजिट का एक परिवार पहचान पत्र, ये हरियाणा में लॉन्च किया गया है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अनाउंस किया है कि जो सचिवालय थे उनको अब लोक सेवा भवन के नाम से जाना जाएगा। फिर उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है जीने दो। ये बेसिकली किस लिए है, टू इम्प्रूव द सेक्स रेशियो और
ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के आप कह सकते हैं एक प्रमोशन के लिए ये भी किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि हाँ ये न्यूज उसके लिए किया गया। ओके, वर्ल्ड में हमारे लिए जो इंडिया से इम्पोर्टेंट है वही स्ट्रोम अटाका जो है वो एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसके लिए इंडिया और रशिया के बीच में डील साइन हुई है। पहला ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस का ISLX-19 जो है वो अभी हाल में अबू धाबी में हुआ। दुबई एयरपोर्ट में इंडियन रुपी हर आउटलेट के रिटेल आउटलेट पे एक्सेप्टेड करेंसी की तरह यूज किया जाएगा। ओके, उसके बाद इंडिया जो है उसने सितंबर महीने में ऑलरेडी होस्ट कर लिया 14th कॉन्फ्रेंस किसका, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD का, तो वो दिल्ली में ही हुआ है। उसके बाद ऑनर एंड अवार्ड्स अगर कुछ इंडिया से रिलेटेड होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी बनाई है टू अर्जेंटली फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 2 इंडियन बर्ड, ग्रेट इंडियन बूस्टर्ड है और लेसर फ्लोरिकन है। इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया जा सकता है इमिडिएटली। उड़ीसा ने को ओनरशिप राइट वो जीत गए अपने GI टैग के लिए इसके ओवर इट्स रसगुल्ला। ठीक है, तो उड़ीसा का जो रसगुल्ला है उसको GI टैग मिला हुआ था, तो बहुत उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इसके ओरिजिन के लिए लड़ाई कर रहे थे। वेस्ट बंगाल का GI टैग बांग्ला रसगुल्ला के लिए मिला हुआ है। स्पोर्ट्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ एग्जाम्स के लिए नहीं है, तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिर हाल ही में कोटा ने सबसे वो सिटी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने नाम लिखवाया कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल योगा एक बार में एक टाइम पे करने का। ठीक है, उसके बाद सिपरी जो है अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी इंडिया इज वर्ल्ड्स 5 बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स इन 2017। कितना इंडिया ने खर्च करा था, $63.9 बिलियन, ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स 5 बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। फिर महाराष्ट्र ने हाल ही में लैंडलेस लेबरर्स के लिए जो शेड्यूल कास्ट में उनको एग्रीकल्चर लैंड अक्वायर करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है। तो इसमें अराउंड 80-100 क्वेश्चंस हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन जुलाई महीने से मिलेंगे और आपको सारे कंप्लीट। तो ये हमने कंपाइलेशन जो है वो ग्रेडअप से पिकअप किया है और अगर इसको स्टार्ट करें तो बैंकिंग वाले से अगर इम्पोर्टेंट कुछ है तो मैं देखता हूँ। लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पोस्टल डिपार्टमेंट जो इंडिया का पोस्ट पेमेंट्स बैंक था उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। ओके, ठीक है, तो जब ये पेमेंट्स बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा तो इसको कुछ और अटोनमी और कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करने की सुविधा मिल जाती है। ओके, लाइक एक्सटेंडिंग क्रेडिट वगैरह।
ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को होती है, ये सारी प्रोविजंस जो कि पेमेंट्स बैंक को नहीं होती है, तो वो उसके बाद से इस चीज़ों को करने लगेंगे। उसके बाद देन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने NEFT जो है वो राउंड द क्लॉक इस साल 2 दिसंबर से, मतलब कि 24 आवर, अभी आपको NEFT का जो टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 8 AM टू 7 PM, हर 45 मिनट्स पे एक बैच जितना भी उस टाइम के पीरियड के बीच में जो भी एक बैच के NEFT पेमेंट है उसको एक साथ RBI क्लियर करता है। बट नाउ RBI हैज़ अनाउंस दैट कि फ्रॉम दिसंबर दिस ईयर, दिसंबर 2019 से जो राउंड द क्लॉक दैट मीन्स 24/7 हर समय NEFT का ट्रांसफ़र हो सकता है पॉसिबल। ओके, उसके बाद ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि RBI ने अगस्त महीने वाले जो आपको बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी में 35 बेसिस पॉइंट के हिसाब से रेट कम किया। जैसे कि अभी आपने सुना होगा 3-4 दिन पहले जो अभी का जो बाई मॉनिटरी पॉलिसी हुई है उसमें उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है। तो जो 25 के मल्टीपल्स में ही आज तक RBI जो है वो आपको रेट्स कम करती थी या बढ़ाती थी, बट आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने 35 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया था अगस्त महीने में। तो दैट इज़ वाई आई थिंक इट माइट बी इम्पॉर्टेंट कि आपसे पूछा जाए कि हाँ किस कितने बेसिस पॉइंट से इस बार कम किया था, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ट्रेडर्स बॉडी का कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेडर्स है स्केट, उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया दैट इज डीजी व्यापारी सफल व्यापारी। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया के हमारे जो एम है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए स्कीम है। उसके बाद देन अदर इम्पॉर्टेंट देन दिस इज वॉज ऑल्सो इन द न्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो सरप्लस RBI का रिजर्व था उसमें से RBI ने 1.76 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर लिया था। ठीक है, और ये जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है ये बिमल जलान कमेटी जो बनाई गई थी उनके रिकमेंडेशन पे इन्होंने किया था। तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑबिचुअरीज बिल्कुल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डेज के बारे में अगर इम्पोर्टेंट डेज को हम लोग देखें तो फेस्टिवल ये याद रख लीजिए, आदि पेरू की फेस्टिवल है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे गए हैं कि कौन सी फेस्टिवल किस स्टेट के लिए फेमस है, तो आदि पेरू की जो है वो, या आदि मानसून फेस्टिवल भी इसको बोलते हैं, वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, किसी भी लार्जर वाटर बॉडी जो होते हैं उनके किनारे पे मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक था वो 1st to 7th August सेलिब्रेट किया गया था। अगस्त क्रांति दिन है जो 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया था क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने जो है वो फेमस स्लोगन दिया था डू और डाई का, और इसी के दिन के बाद से ग्वालियर टैंक से रिजोल्यूशन पास हुआ और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर 29th August जो है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। नए अपॉइंटमेंट्स में जो मैक्रो लेवल पे हैं, पूरे देश के लेवल पे होंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे गवर्नर्स वगैरह पूछ सकते हैं, जगदीप धनखड़ जो है वो गवर्नर बिहार, सॉरी वेस्ट बंगाल के अपॉइंट हुए हैं, और RN रवि नागालैंड के।
फिर अगर कुछ इम्पोर्टेंट देखे तो सूडान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो हैं अब्दुल्ला हमदोक। ठीक है, इंडिया से इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर हम लोग बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है उसको लॉन्च कर दिया है पायलट बेसिस, मतलब कि अभी टेस्ट के लिए हिसाब से, तेलंगाना आंध्रा महाराष्ट्र एंड गुजरात में। ओके, तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास राशन कार्ड, अभी जैसा क्या सीन है इसके पहले, आपके पास राशन कार्ड अगर बिहार का है और बिहार में भी आपके पास राशन कार्ड मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया का है, फॉर एग्जांपल ईस्ट चंपारण, तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट में ही अपने राशन से जो फेयर प्राइस शॉप से आप जो चावल और गेहूं हम खरीदते हैं 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो, वो आप उसी स्टेट के उसी डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं। बट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में आपका राशन कार्ड कहीं का भी हो, आप पूरे देश में किसी भी जगह पे किसी भी फेयर प्राइस शॉप से आप अपने फूड ग्रेन्स और अदर राइस और वीट है जो खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर इंडिया ने सक्सेसफुली जो है वो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल क्यूआर सैम जो है वो टेस्ट कर लिया है कांडीपुर उड़ीसा से। ओके, और ये सेकेंड डेवलपमेंटल ट्रायल था, पहला फरवरी में भी एक बार टेस्ट हुआ था इसी चीज़ का, और जो इसको डेवलप किया है वो डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने किया है। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बता दूँ कि इसरो के चेयरमैन का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम में, बिकॉज ऑफ चंद्रयान टू, और वो न्यूज़ में भी थे। तो इसरो के चेयरमैन जो है वो के सिवान है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, और इसरो की हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु। जो इंडियन आर्मी है उसने आफ्टर दिस स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 मिशन एक लॉन्च किया है जम्मू में, ताकि जो इन एसेंशियल सर्विसेज और नेसेसिटीज हैं वो अवेलेबल कराई जा सके। तो उस स्कीम का नाम है और उस इनिशिएटिव का नाम है मिशन रीच आउट। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी की इनिशिएटिव है। और जो दो नए ऑफिशियली क्रिएटेड यूटी हैं वो 31 अक्टूबर से एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो 31 अक्टूबर से आप ऑफिशियली कह सकते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज हैं। फिर इंटर स्टेट काउंसिल दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और इसके चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, और इसको कॉन्स्टिट्यूट जो है वो प्रेसिडेंट करती है। ठीक है, फिर इंडिया का पहला स्पेस साइंस म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में ओपन हुआ है, और ये किसकी एफर्ट से हुआ है, तो कोलेबरेटिव एफर्ट है इसरो और बीएम बिरला साइंस सेंटर का। ठीक है, मिलान सीरीज जो है बायलेटरल एक्सरसाइज का, सॉरी बायनियल एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन नेवी ने कंडक्ट करा है, वो 1995 में अनाउंस से स्टार्ट हुआ था इसको, और उस टाइम से ये अंडमान और निकोबार में हर साल हुआ था लास्ट ईयर तक। ठीक है, लास्ट ईयर एडिशन वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द मेन लैंड एट द ईस्टर्न कमांड लेवल। ठीक है, तो पहली बार ये मेन लैंड इंडिया में हुआ है, दैट इज इन विशाखापट्टनम। इसके पहले ये अंडमान एंड निकोबार में होता था। उसके बाद फिर दिसंबर 2019 से जो फास्ट टैग्स हैं दैट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द व्हीकल्स। फास्ट टैग बेसिकली क्या है कि कार के शील्ड पे, फ्रंट शील्ड पे आपको एक बारकोड टाइप का है जिसको फास्ट टैग बोलेंगे, दैट विल बी स्कैंड व्हेन यू आर एंटरिंग थ्रू एनी टोल, और इस फास्टैग से आपका एक अकाउंट रिलेट और जुड़ेगा जिससे कि द मनी विल बी डिडक्टेड ऑटोमेटिकली व्हेन वंस यू आर एंटरिंग एनी टोल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टोल
जो भी टोल बूथ्स वगैरह हैं वहाँ पे जो रश होती है और ट्रैफिक होती है उसको इजीली कैरी आउट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। नाउ फिर से जो प्रपोजल पिछले साल आया था कि ओशन एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी का क्या कहते हैं स्टेटस दे दिया जाए, उसको अप्रूव कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है आरके सिंह उन्होंने। फिर इंडिया हैज आल्सो बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इन द वर्ल्ड टू इशू बायोमेट्रिक सी फेयरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो भी बायो सी फेयरर्स का जो बायोमेट्रिक फेशियल डॉक्यूमेंट है उसको कैप्चर करने वाला पहला देश बन गया है इंडिया। स्टेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज अगर बात करें तो हमारे लिए बिहार ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो वी विल सी। जैसे कि ये मिला हमें, यूनियन गवर्नमेंट ने 4900 करोड़ की कोसी मेची रिवर जो है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट उसको अप्रूव कर दिया है। तो केन बेटवा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये नॉर्थ बिहार के जो फ्लड्स हैं उसको हेल्प करेगा रोकने में, और साथ साथ ओवर 2.1 लाख हेक्टेयर्स ऑफ कल्टीवेबल लैंड इन बिहार को ये इरिगेट करने में भी मदद करेगा। के बाद पंजाब के जो सीएम है उन्होंने सरबत सेहत बीमा योजना लॉन्च करा है 75th बर्थ एनिवर्सरी राजीव गांधी को उसके लिए, और एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, तो ये सेंटर के आयुष्मान भारत के साथ कंबाइन कर रहा है, इट इज आल्सो प्लानिंग टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, वर्ल्ड से हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी कुछ है नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। तो अगर और देखिए ऑनर एंड अवार्ड्स में हमारे लिए अगर कोई मैक्रो लेवल पे कुछ अवार्ड मिला है जैसे प्राइम मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट को, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। फिर ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया को जो है वो 7th place पे वापस जाना पड़ा है, तो इट हैज़ मूव्ड अप टिल 5th लास्ट ईयर, बट वापस से फ्रांस एंड यूके हैव ओवर टेकन इंडियाज पोजिशन। ओके, तीन लोगों को इस साल भारत रत्न मिला है, दैट इज प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख। ओके, जिसमें कि इन दोनों को पोस्थोसमिसली दिया गया, दैट मींस दे आर नो लॉन्गर अलाइव, इनको उनके डेथ के बाद दिया गया। यूएई का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज ऑर्डर ऑफ द जायद, ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है रिसेंटली, एंड ही आल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव दैट पर्टिकुलर अवार्ड। फिर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, त्वालो फुआन एंड मिजो पोंचाई मिजोरम से, और तिरूर बेटल वाइन जो है वो केरला से, इनको GI टैग दे दिया गया है। अराउंड 200 के आसपास क्वेश्चंस कंपाइलेशन है अगस्त महीने के करंट अफेयर्स से, तो वे आप सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने IBPS गाइड के वेबसाइट से लिया है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपका अगस्त महीने का करंट अफेयर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू द करेंट अफेयर्स ऑफ अगस्त एंड बिहार का जुलाई और अगस्त दोनों। इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप इन सबको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है,
इससे आपका एग्जामिनेशन में आपको फायदा होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम में 5 दिन है, 5 दिन में